अक्सर देखा गया है कि जब कोई महिला आगे बढ़ती है तो उसके चरित्र पे लोग उंगलियां उठाने लगते हैं, कुछ लोग जो है उसे बदनाम करने की साजिशें रचने लगते हैं। ऐसा ही कुछ औरैया के रहने वाली शिवानी कुमारी के साथ हो रहा है। शिवानी कुमारी को आज कौन नहीं जानता, बिग बॉस के घर में यूपी की ये बेटी जो है धमाल मचाए हुए है। लेकिन अब उसी बेटी के चरित्र पे एक शख्स है जिसने उंगली उठाई है। जी हाँ, अमित मिश्रा जो कि लखनऊ का रहने वाला है, जिसने एक चैनल के इंटरव्यू में बताया कि वह शिवानी का बॉयफ्रेंड है, शिवानी के साथ उसकी शादी भी होने वाली थी और साथ ही शिवानी के घर वालों को भी इस बात का पता है, लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि शिवानी ने बिग बॉस के घर में जब उससे पूछा गया कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो उन्होंने अमित मिश्रा का जिक्र क्यों नहीं किया। इसके बाद वो हर्ट होते हैं और यहाँ तक अमित मिश्रा का आरोप है कि उनके चैनल पर अभिषेक जो शिवानी के मैनेजर है वो स्ट्राइक मारते हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज एक अहम जानकारी देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हम जब गए थे कवरेज करने के लिए शिवानी के गांव में तो शिवानी की माँ से जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी बताया था कि शिवानी को शादी को लेकर के अभी ऐसा कोई भी उनके मन में विचार नहीं है। साथ ही अभिषेक से भी हमने जब बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड, हमने जब बात की थी, चूँकि आमतौर पर पत्रकार जो होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें होती हैं उसको चलाते नहीं हैं, वो औपचारिक बातें होती हैं जिसे टेलीकास्ट नहीं किया जाता। तो हमने उनसे बात की थी कुछ जिसे हम चाहते थे कि सामने न लाएँ, लेकिन अब मौका है कि नहीं उसे कुछ सामने जाए। हमने भी अभिषेक से पूछा था कि क्या शिवानी से आपकी शादी की बात है, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया था। हाँ, इस दौरान उन्होंने एक जिक्र किया था कि कोई एक शख्स है जिसने शिवानी के चैनल पे स्ट्राइक मारा था, जिसके बाद अभिषेक ने भी उसके चैनल पे स्ट्राइक मारा था। नाम अभिषेक ने उस समय नहीं बताया था, लेकिन अब ये बातें खुल करके सामने आ गई। जी हाँ, जो शख्स है अमित मिश्रा, उसकी मुलाकात जुलाई 2020 में शिवानी से होती है, क्योंकि अभिषेक शिवानी का चैनल जब स्टार्ट होता है जुलाई 2020 में, उस दौरान अभिषेक पढ़ाई करते रहते हैं और उसी दौरान जो है शिवानी जब अपने वीडियो को बनाने के लिए अभिषेक पास पहुँचती है, तो अभिषेक का साफ तौर पर कहना है कि वो उस समय उनकी टेक्निकल चीज़ों को देखते थे, उनके साथ ट्रविंग नहीं कर पाते थे, जिसके बाद शिवानी अपने रिश्ते के भाई के साथ जो है पहुंचती है लखनऊ, वहाँ पे अमित मिश्रा से मुलाकात होती है और अमित उसके बाद उसके कहते हैं कि हम दोनों साथ में वीडियो शूट करेंगे और आपके चैनल पे भी वीडियो पड़ेगा और हमारे चैनल पे भी वीडियो पड़ेगा। लेकिन अमित जो है क्या करते हैं कि अपने चैनल पे वीडियो ज़्यादा डालने लगते हैं, और जब इस बात की जानकारी अभिषेक को होती है तो अभिषेक शिवानी को समझाते हैं कि आप वहाँ से चली आओ, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। जिसके बाद शिवानी लौट आती है और इसी से नाराज़ होकर के 14 मार्च 2021 को अमित मिश्रा नाम का जो शख्स है वो जो है शिवानी के चैनल पर स्ट्राइक मारता है, जिसके बाद अभिषेक जो है जो कि टेक्निकल टीम के उनके मेंबर थे जो कि पूरा टेक्निकल देखते थे शिवानी के चैनल का, वो जो है 15 मार्च को स्ट्राइक मारते हैं अमित के चैनल पे। जिसके बाद अमित के चैनल जब स्ट्राइक पहुंचता है तो अमित उनसे माफ़ी भी मांगते हैं फ़ोन करके, और अब जब शिवानी बिग बॉस के घर में पहुंची है तो अमित इस तरह की बातें लेकर के आए हैं। हो सकता है कि अमित शिवानी को चाहे तो बदनाम करना चाहते हों, चाहे फिर अभिषेक से, जिस तरह से अभिषेक ने उनके चैनल पर स्ट्राइक मरवाई थी, तो अभिषेक से अपनी कोई दुश्मनी। फिलहाल जो भी हो, अभिषेक ने क्या कुछ कहा इस मामले में आप भी सुनिए। जुलाई 2020 में मैंने शिवानी से ब्लॉगिंग स्टार्ट करवाई थी। मैं शिवानी का सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट देता था, शिवानी के साथ मैं ट्रेवलिंग नहीं करता था क्योंकि मैं पढ़ाई करता था उस समय। तो शिवानी के जो मुंह बोले भाई थे वैभव कुशवाहा जी, उनके साथ शिवानी गई थी लखनऊ में कवर सॉन्ग शूट करने के लिए अमित मिश्रा जी के साथ में। शिवानी की उम्र उस समय 17.5 के आसपास थी, यानी नाबालिग थी शिवानी, और जो मुंह बोले भाई वैभव थे उनकी भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 19 के आसपास भी उस लड़के की उम्र होगी। तो ये दोनों लोग जाते हैं लखनऊ में और वहां पर अमित मिश्रा के द्वारा शिवानी को बहलाया फुसलाया भी जाता है। इसकी डिटेल में जानकारी शिवानी के फैमिली मेंबर खुद देंगे, अभी हम उन चीजों की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं। तो अमित मिश्रा के साथ में जो डील हुई थी ये हुई थी कि दो वीडियो शिवानी के चैनल में आएंगे, एक वीडियो अमित मिश्रा के चैनल पे आएगा, ये हमारे साथ बात हुई थी। इसके बाद अमित मिश्रा ने क्या किया, अपने चैनल पे 3 वीडियो डाल लिए और शिवानी के चैनल पे मात्र 2 वीडियो डाले। इसका विरोध मैंने किया, वो चीज अमित मिश्रा को नागवार लगी और मैंने शिवानी को बोल दिया आप अपने घर आ जाइए, आपकी उम्र कम है, आप नादान है, इसलिए ये लोग आपको बहला फुसला रहे हैं। तो शिवानी घर आ जाती है। उसके बाद में अमित मिश्रा से मैंने कई बार वीडियो मांगा कि एक वीडियो जो अभी शूट हो चुका है वो हमें दीजिए, मैं अपने चैनल पर पब्लिश करूंगा, अपना चैनल मतलब शिवानी कुमारी का चैनल। लेकिन अमित मिश्रा हमको टालते गए। ऐसे मार्च 2021 हो गया और 14 मार्च 2021 को अमित मिश्रा ने शिवानी कुमारी के चैनल पर पहली स्ट्राइक दी। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं कंफ्यूज हो चुका था कि कोई स्ट्राइक कैसे दे सकता है। बाद में मुझे पता चला ये बंदा शुरू से ही खेल रहा था, वो हमको अपलोडेड वीडियो दिया था इसलिए उसने स्ट्राइक मार दी। ये बात मैंने अमित मिश्रा को फोन कॉल करके बोली और 15 तारीख को ये देखिए मैंने भी इनको लगातार 2 स्ट्राइक मारी।
ठीक है, क्योंकि बदला तो लेना ही था हमको। आपने शिवानी के पेट पर लात मारी और उस समय शिवानी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नए थे, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, ठीक है। तो शिवानी उस समय संघर्ष कर रही थी, उस समय इस बंदे ने शिवानी के पेट में लात मारी थी। यही बात शिवानी से इसकी बहस भी हुई थी और तब से शिवानी से आज तक इसकी बात नहीं हुई है।